गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सर? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10 का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एसिड क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसिड क्या होता है। व्हाट इज एसिड? एसिड होता है बच्चों, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स एच प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो वो एच प्लस आयन देता है। एच प्लस आयन दे वाटर में मिलाने, वैसा सब्सटेंस जब उसको वाटर में मिला है तो वो एच प्लस आयन दे, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। एच प्लस आयन मतलब ओनली पॉजिटिव आयन। ठीक, समझ में आया एसिड क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में मिलाने पर एच प्लस आयन दे। ठीक है, देखो बच्चों, ये एच प्लस आयन जो होता है ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, अगेन वाटर के साथ कंबाइन होता है, H2O के साथ कंबाइन होता है और ये फॉर्म करता है H3O पॉजिटिव। ओके बच्चों, और H3O पॉजिटिव इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। जैसे एग्जांपल ले लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने HCl लिया, इसको हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये क्या होगा, बनाएगा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। देखो H प्लस आयन दे रहा है। अब देखते हैं बच्चों बेस क्या होता है। बेस होता है जब बेस वैसा सब्सटेंस कि हम उसको वाटर में मिलाए तो वो OH माइनस आयन दे। OH वाटर मिलाए तो वो OH माइनस दे। ओके बच्चों, एग्जांपल लेते हैं NaOH, इसको मैंने वाटर में मिलाया तो ये क्या देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। ओके, तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक बेस हो गया। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने वाटर में मिलाया तो क्या, ये K प्लस और OH माइनस, तो ये क्या हो गया, एक बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। समझ में आ रहा है किसे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड का डेफिनेशन बताओ, क्या कहोगे? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स एच प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। बेस का क्या कहोगे? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो वाटर, वाटर में मिलाने पर, तो उसको हम लोग बेस कहेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अच्छा, उससे पहले देख लो कि एसिड इसका कुछ प्रॉपर्टी। जैसे एसिड की बात करेंगे तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। बेस, इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। ओके, इसका टच का बात करें, फिजिकली कैसा, इसको क्या टच, ये तो बड़ा मतलब इसको हम टच नहीं कर सकते एसिड्स को। जैसे कि जो एसिड भी अभी क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो टाइप वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, ये सबको हम टच नहीं कर देते। ये क्या करता है, बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू। ऐसे बहुत होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर पाया जाता है तो उसको हम लोग यूज भी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टच का। नॉर्मली ये ऑलमोस्ट जो होता है ये क्या होता है, स्लिपरी होता है। ओके, तो ये थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी देख दो। अब हम बच्चों देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ओके बच्चों, बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरिजिन की बेसिस। ओरिजिन के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। ओके, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, वैसा एसिड्स जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया गया हो,
ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स इन एनिमल्स। ओके बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स को कहेंगे वैसा एसिड्स जिसको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया गया, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। एग्जांपल साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड C6H8O7, ओके, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है, एज यू नो, हाँ, फ्रूट्स में। ओके बच्चों, ऐसे लेंगे दूसरा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाँ, CH3C2OH, हाँ, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है। ओके बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होता है ये जनरली वीक होता है। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर जनरली वीक होता है। इसका नेचर नेचर जो होता है ये जनरली वीक होता है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं मिनरल एसिड क्या होती है। मिनरल एसिड्स को सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, ठीक है, इट्स जनरली नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। ओके बच्चों, जैसे कि एग्जांपल ले H2SO4, HCl, HNO3, ओके, H2CO3, ये सब हो गया। तो हम लोगों को जो पढ़ना है 10th क्लास के जो सिलेबस में है यही है, मिनरल एसिड पढ़ना है, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? ये जनरली स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा सर, आप कैसे बता रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग होता है ये वीक होता है? ओके, देखो सुनाना चाहिए माइंड में। तो देखो बच्चों, अगर हम यहां बात करें CH3C2OH का, अगर हम यहां बात करें CH3C2OH का, एक मिनट रुकिएगा, अगर हम बात करें CH3C2OH एसिटिक एसिड के, एसिटिक एसिड का, अगर हम 100 मोल एसिटिक एसिड का लें और उसको डिसोसिएट करें, वाटर के साथ डिसोसिएट करें, तो ये H+ आयन और CH3C2O माइनस में टूटेगा, ठीक है। अगर 100 मोल 100 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं तो यहां हमको जनरली 5 मोल 10 मोल मैक्सिमम 20 मोल ऑब्टेंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और जब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। 100 मोल लेते तो ये 100H+ और 100Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली टूट जाता है। लेकिन ये जो होता है, अगर 100 ले रहे हैं तो 5, 10, 20, 15 ऐसे होगा, ठीक है। इसीलिए ये जनरली वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इसमें ये जो है H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये क्या होता है? वीक होता है। ये एक्सेप्शन पे है कि एक मिनरल एसिड में H2CO3 जो होता है कार्बोनिक एसिड, ये जनरली वीक होता है। ओके बच्चों, समझ में आया? नहीं तो जनरली जितना भी मिनरल एसिड होता है इनऑर्गेनिक होता है वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन के बेसिस पे देख लिए, अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पे। स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी दो टाइप का एसिड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। पहले हम लोग एसिड का देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, फिर देखेंगे बेस का क्लासिफिकेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड अभी हम लोग देख के आए जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए क्वेश्चन सॉल्यूशन में, क्या कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ओके बच्चों, एग्जांपल लो HCl, वाटर में मिलाए H+ Cl- कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा,
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में मिलाए, H+ SO4 2- में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। बात करते हैं वीक एसिड्स, क्या होता है पार्शियली डिसोसिएट, पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, पूरा आयंस में नहीं टूटता है। जैसे हम बात करें एग्जांपल ले CH3COOH एसिटिक एसिड का, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का, एक्सेट्रा लैक्टिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड। ओके, तो ये सब क्या हो जाता है वीक एसिड हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं एसिड का है क्लासिफिकेशन में, आगे बात करते हैं बच्चों एसिड का ही। देखो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी एसिड्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डाइल्यूट एसिड, सेकेंड वन इज कंसंट्रेटेड एसिड। देखो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, हवा लॉ कंसंट्रेशन ऑफ हैव ए लॉ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स का जो मात्रा रहेगा वो कम रहेगा, वाटर का ज्यादा रहेगा। ओके, एक्वस सॉल्यूशन में जो एक सॉल्यूशन रहेगा उसमें वाटर की मात्रा ज्यादा रहेगा, एसिड्स का मात्रा कम रहेगा। लेकिन कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड में क्या होगा, ज्यादा रहेगा एसिड वाटर कम। Have a high concentration of acids in their aqueous solution। ऐसा माना जाता है कि almost acid में जो होता है concentrated acid में 98% 97% acids होता है और 2% 3% 5% ऐसा water होता है। Okay, ये generally strong होता है, ये generally strong होता है और ये होता है। ओके बच्चों समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज की क्लास से कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देख लिया हम लोग, तीन तरह के बेसिस पे देखे, पहला ओरिजिन के बेसिस पे देखे, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखे, और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन के बेसिस पे।